अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। दोस्तों, आपका मेरे चैनल NTN फ़रोग अदब में खैर मकदम है, खुश आमदीद है। आज मैं आपके लिए बिहार सुपर टेट 2023 कंडक्टेड बाय BPSC मॉक टेस्ट 7 फेस बोथ 7500 मार्क्स उर्दू के तमाम मुमकिन सवाल मां जवाब लेकर हाजिर हूँ पार्ट 33। तो आइए बिला ताखिर शुरुआत करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा कसीदे की पहली किस्म तमहीदिया है और दूसरी किस्म क्या है, आपको बताना है। इसका जवाब 5 सेकंड के वक्त दिया जाना, आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका खिताबिया। कसीदे की पहली किस्म को तमहीदिया कहते हैं और दूसरी किस्म को खिताबिया कहते हैं। उसके बाद ये सवाल देखिए, सूरतुल ख्याल किसका नावेल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, शाद अजीमाबादी का नावेल है। यहाँ दोनों ऑप्शन शाद अजीमाबादी कर दिया है। उसके बाद तीसरा सवाल है, खत की जमा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, खतूत, खत की जमा है खतूत। उसके बाद ये सवाल देखिए, परवेश शाहिदी का असल नाम क्या था। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1, सैयद इकराम हुसैन। परवेश शाहिदी का असल नाम क्या था, सैयद इकराम हुसैन। उसके बाद ये सवाल देखिए, अंग्रेजी में इंशाया किस जबान से आया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, फ्रांसीसी जबान से आया है। उसके बाद ये सवाल देखिए, परवेश शाहिद एक आरजू किस शायर की नज्म। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2, अल्लामा इकबाल की नज्म है। एक आरजू किस शायर की नज्म है, अल्लामा इकबाल की नज्म है। उसके बाद ये सवाल देखिए, साहिल लुधियानवी की पैदाइश कब और कहाँ हुई। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, 1921 ईस्वी को साहिल लुधियानवी की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी। साहिल लुधियानवी की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी, तो 1921 ईस्वी को लुधियाना में हुई थी। उसके बाद ये सवाल देखिए, साहिल लुधियानवी का पूरा नाम क्या था। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1, चौधरी अब्दुल हई। साहिल लुधियानवी का पूरा नाम क्या था, चौधरी अब्दुल हई। उसके बाद ये सवाल देखिए, साहिल लुधियानवी की मादरी जबान क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4, पंजाबी। साहिल लुधियानवी की मादरी जबान क्या है, तो पंजाबी। क्या थी, पंजाबी। उसके बाद ये सवाल देखिए, शाद अजीमाबादी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1, 1927 ईस्वी को पटना में हुई इंतकाल हुआ था। उसके बाद ये सवाल देखिए, शाद का असल नाम क्या था। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1, सैयद अली मोहम्मद। शाद अजीमाबादी का असल नाम था सैयद अली मोहम्मद। उसके बाद ये सवाल देखिए, कुतुब मुस्तरी का मौजू क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1, इश्क। कुतुब मुस्तरी का मौजू क्या है, इश्क। ये एक इश्क का मसनवी। उसके बाद ये सवाल देखिए, किस मसनवी को दक्कन का शाहनामा कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, अली नामा। अली नामा को दक्कन का शाहनामा कहा जाता है। ये नुसरती की मसनवी है। अली नामा एक रस्मिया मसनवी है जिसमें जंगी हालात पेश किए गए। उसके बाद ये सवाल देखिए, मसनवी फूलबंद को सबसे पहले किसने मरतब किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, प्रोफेसर अब्दुल सरवरी ने मरतब किया था।
उसके बाद ये सवाल देखिए, मसनवी फूल बन का सन तसनीफ़ क्या है? इसका राइट आंसर आपने 1655 ईस्वी। उसके बाद ये सवाल देखिए, गुलजार नसीम किसकी मसनवी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका पंडित दया शंकर नसीम की मसनवी। उसके बाद ये सवाल देखिए, सौदा ने कितनी मसनवियाँ लिखी हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन टू 24 मसनवियाँ लिखी हैं। उसके बाद ये सवाल देखिए, मीर हसन और मीर अनीस के दरमियान क्या रिश्ता था? इसका राइट आंसर ऑप्शन एक दादा पोता का रिश्ता था। मीर हसन और मीर अनीस के दरमियान क्या रिश्ता था? दादा पोता, मीर हसन मीर अनीस के दादा थे। उसके बाद ये सवाल देखिए, मीर हसन के मरतब करदा तस्करे का नाम बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन एक शोरा उर्दू, ये मीर हसन के मरतब करदा तस्करे का नाम। उसके बाद ये सवाल देखिए, मसनवी सहरुल बयान का पहला एडिशन कब शाया हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन एक 1805 ईस्वी। उसके बाद ये सवाल देखिए, नशा की पहली तरंग किसका अफसाना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन टू सज्जाद हैदर यलदरम का अफसाना, नशा की पहली तरंग, ये 1901 ईस्वी में तस्लीम की गई थी। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्तों को। अल्लाह हाफिज़।